अलिहाना इस्तकबाल कीजिए, नाराए तकबीर कायद का इस्तकबाल कीजिए बुलंद आवाज से, नाराए तकबीर साहिबजादा अल्लामा मोतसम लाही जहीर साहेब खिताब फरमाते हैं हजरत मौलाना अल्लामा मोतसम इलाही जहीर साहेब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हजराते ग्रामी कदर, मेरे लिए एजाज की बात है कि आज आपके सामने तौहीद व सुन्नत के उन्वान से होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुझे हयालात के इजहार का मौका मिला है। तौहीद व सुन्नत वो दावत है, वो नज़रिया है, वो मंशूर है कि मुसलमान के घर जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ उसे लोरी देते हुए जो सबसे पहले अल्फाज उसे सिखलाती है, उसे बताती है, और हम सब लोग उन कलिमात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हम सब ने अपनी माँ की गोद से उन कलिमात को सुना, सुनते चले आए। और वो कलिमात क्या है? वो कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कलिमात हैं, और हम सब इन कलिमात को कलमा तैयबा के नाम से जानते हैं। लेकिन इन कलिमात को सुनना, इनको बचपन से ही जुबानी याद कर लेना और इनको दोहराते रहना और इनको बार बार पढ़ना, ये और बात है, मगर इन कलमात के मफहूम को समझना, उस पर अमल करना, ये बिल्कुल और बात है। आकाए कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सवारी पर मौजूद, सवारी के पीछे हजरत मुआज़ इब्न जबल वो भी आपके साथ आपकी सवारी पर मौजूद हैं। आपने हजरत मुआज़ को पुकारा, या मुआज़, हजरत मुआज़ ने कहा आका मैं हाजिर। आपने फिर पुकारा, या मुआज़, मुआज़ ने फिर कहा आका मैं हाजिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा हजरत मुआज़ को पुकारा, या मुआज़, और फिर ये इरशाद फरमा दिया मा मिन अहदी यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सिद्कन मिन कल्बिही इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन नार। साथियों, मानी क्या है, मतलब क्या है? तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस में आए हुए लोगों, इसका मतलब क्या है? आपने इरशाद फरमा दिया एमाज वो शख्स जिसने सच्चे दिल से इन कलिमात को अदा कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सवा कोई माबूदे बरहक नहीं है, और फिर इस कलमे को पढ़ दिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, फिर अल्लाह ने उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। लेकिन सिर्फ इन कलिमात को पढ़ लेना नहीं, नहीं, आपने इरशाद फरमाया सच्चे दिल से, सिद्ध के दिल से इन कलिमात को अदा करने वाला अल्लाह उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देता। यही तौहीद व सुन्नत की दावत, यही तौहीद व सुन्नत का पैगाम, यही तौहीद व सुन्नत का मंशूर है। और इन कलिमात के जो पहले अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह इससे है,
इसका मतलब क्या है साथियों, इसका मफहूम क्या है, मुख्तसर से वक्त में चंद गुजारिशात को आपके सामने रखकर, चूंकि एक सफर पर जाना है, दो प्रोग्राम उनमें शिरकत को करना है, आपके सामने मुख्तसरन इस नुक्ते को बयान करके इजाजत चाहूंगा। ये जो कलिमात है ला इलाहा इल्लल्लाह साथियों, ये वो कलिमात है जिसके लिए इस दुनिया को तहरीक किया गया, जिसके लिए मुझे और आपको पैदा किया गया। यही वो कलिमात है जिनके लिए आदम से लेकर आमीना के लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस दुनिया में भेजा गया, और यही वो कलिमात है जिनकी बदौलत कल कयामत के दिन तराजू को कायम किया जाएगा, और जो सच्चे दिल से इन कलिमात को पढ़ने वाला, इन पर अमल करने वाला, उसके लिए जन्नत के बागात को तैयार कर दिया गया, और जो इन कलिमात का इनकार करने वाला उसके लिए जहन्नम जैसे अजाब अलीम को तैयार कर लिया गया है। साथियों, इसका मतलब क्या है, हमने सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह को कह दिया, इसका कोई फायदा नहीं, फिर हमें सिद्ध के दिल से इसके मतलब पर गौर करना होगा, उसके ऊपर अमल करना होगा। मतलब क्या, जब हमने इस नारे को लगा लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर माना यह है इस बात का ऐलान किया जाए अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं है, कोई औलाद को अता करने वाला नहीं है, कोई रिजक को देने वाला नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई हाजात को पूरा करने वाला नहीं है। और साथियों, फिर जब हमने इन कलिमात के पहले जुज का सही मानों में हक अदा कर दिया, फिर इसी कलमे के दूसरे जुज की तरफ आइए, फिर हमने इस बात का भी ऐलान किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सच्चे रसूल हैं, आपके भेजे हुए पैगंबर हैं। लेकिन साथियों, समझने की बात यह है, ये कलिमात तो हम बचपन से, जब से हमने होश संभाला, इन कलिमात को अदा करते आ रहे। कौन से ऐसा बदकिस्मत है जो इन कलिमात को न जानता हो, जो उसको ये कलिमात जुबानी तौर पे याद ना हो। हर शख्स मुसलमान के घर पैदा होने वाला इन कलिमात से आशना है, बचपन से हम इस विर्द को दोहराते आ रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर मसला यह है, हाली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसके कहने से हक अदा नहीं हुआ। सही मानों में हक उस वक्त अदा होगा जब इन कलिमात को सही सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से, सिदके दिल से अदा करेंगे। और सच्चे दिल से क्या मुराद है, सिदके दिल से क्या मुराद है, आओ साथियों इस बात को यहां से समझ के जाना है, ताकि हम इन कॉन्फ्रेंसेस जिसमें हम शिरकत करते हैं, इन कॉन्फ्रेंसों, इन जलसों, इन बज़मों, इन महफिलों में शिरकत करने से हमें कोई फायदा भी हासिल हो सके। जहां हमने इस कलमे को पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला, कोई दाता, कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा नहीं है, और फिर जब हमने इस कलमात को भी अदा कर दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अभी से ही मानों में हक अदा नहीं हुआ है। हक कैसे अदा होगा, हक उस वक्त अदा होगा जब हम सच्चे दिल से इस बात का ऐलान करेंगे मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल, फिर आपके होते हुए, आपकी बात के होते हुए, आपके फरामीन के होते हुए, आपकी हदीस के होते हुए, आपके फतवे के होते हुए, आपके हुक्म के होते हुए,
फिर आपका फरमान आ जाए, फिर हमें सरे तस्लीम हम करना होगा। फिर ये नहीं कि नारा तो लगा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का ऐलान तो कर दिया, मोहब्बत का ऐलान तो कर दिया, मगर फिर जब आपकी हदीस आ जाए, आपका फरमान आ जाए, आइए जरा अपना अपना जायजा लीजिए, अपने गिर्दो अतराफ में नजर को दौड़ाइए, हमारे दूसरे मसालिक, दूसरे मकादबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले भाई, वो भी तौहीद व सुन्नत के नारे को लगाने वाले, वो भी इन कलिमात को अदा करने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर मसला क्या है, मामला क्या है, इख्तलाफ क्या है, आइए इस बात को आज यहां से समझ के जाना है। तुमने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बात, आपकी हदीस, आपका फरमान तो ठीक, मगर आपकी बात के होते हुए मैं अपने शेख की बात को क्या कहूं, मुफ्ती के फतवे को क्या कहूं, इमाम के कौल को क्या कहूं, हदीब की हिताबत को क्या कहूं। अल्लाह की कसम, तुमने फिर सही मानों में इन कलेमात को अदा करने का हक अदा नहीं किया है। आइए फिर हम डंके की चोट इस बात का ऐलान क्यों ना करें, कायनात में अगर कोई वाहिद गिरोह ऐसा मौजूद है जिसने इस नारे रुस्ता हैज को लगा दिया, कायनात के बासियों सुन लो, अहले हदीस के सर का मालिक, अरश का खुदा, अहले हदीस के दिल का मालिक, मदीना का मुस्तफा, जिस तरह अहले हदीस का सर वहदहू ला शरीक की आस्ताने के अलावा झुक नहीं सकता, उसी तरह अहले हदीस का दिल काली कमली वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। हमने सारी मोहब्बतों को आका की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया, हमने कहा इधर आका की हदीस हो, आका का फरमान हो, आपका फतवा हो, फौरन से पहले सरे तस्लीम को हम कर दिया जाएगा। फिर ये नहीं मुंह से रटे हुए अल्फाज रवायती अंदाज में जो हमने बचपन से अपनी मां की गोद से सुने, कलमे को भी पढ़ा, इन कलेमात को भी अदा किया, फिर ये नहीं, फिर हमें इस बात का ऐलान करना होगा, कायनात में हर शख्स गलती खा सकता है, तू भी गलती खाए, मैं भी गलती खाऊं, मेरे अकाबिरीन भी गलती खाए, तेरा हदीब भी गलती खाए, मुफ्ती भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए, पीर भी गलती खाए, फकीर भी गलती खाए, सिद्दीक भी गलती खाए। गलती से पाक अगर किसी को अल्लाह ने बनाया, तन्हा अमीना के लाल को बनाया है। आसमान से निदा आई, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, ये जब भी बात करते हैं रदाए खुदाबंदी से बात करते हैं। साथियों, ये कैसी मोहब्बत है कि मुझे आका से बड़ी मोहब्बत है, अहले हदीस के स्टेज से भी इस नारे को लगाया जाता, हमारे तमाम मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले भाई उनके स्टेज से भी इस नारे को लगाया जाता। हमें आका से अकीदत है, हमें आका से मोहब्बत, हम आका की अकीदत में डूबे हुए, हम आका के इश्क में गिरफ्तार, और ताना फिर हम पर है कि ये अहले हदीस जो है ये बड़े गुस्ताह हैं। अजब बात है, बात करते हो आका की मोहब्बत की, आका की इश्क की, फिर जब आका की बात के होते हुए मद्दे मुकाबिल किसी अपने बड़े की बात आ जाए, फिर अपने चेहरे को आका के चेहरे से दूसरी जानिब फेर लेते हैं, और गुस्ताही का ताना हमारे लिए, हमारी दावत को सुन लो, हमारी गुस्ताही को सुन लो, हम इस बात का ऐलान करने वाले कि हमने उस चेहरे को देख लिया है, अब हमारा जी किसी और चेहरे को देखने को करता ही नहीं। यह कैसी मोहब्बत है। ये अभी चंद माह पहले आपके सामने रबीउल अव्वल का महीना हमारे सामने आया,
हमने देखा कि आका की अकीदत का नाम लेते हुए, आका की मोहब्बत के नाम को इस्तेमाल करते हुए कैसे बाजारों को सजाया गया। ये आका से अकीदत है। कैसे रंग रलियों को मनाया गया, कैसे भंगड़ों को डाला गया, कैसे ढोलक की थाप पर रक्स को किया गया, फोहश और बेहुदा गानों पर आका के नामे नामी को लिया गया। फिर भी तुम्हें आका से मोहब्बत है, फिर भी तुम्हें आका से इश्क है। गुस्ताह है तो हम हैं, शर्म का मुकाम है फोहश और बेहुदा बेहया गानों की धुनों पर आका के नामे नामी को लेने वाले, फिर आका से मोहब्बत के दावे को करने वाले। आओ अहले हदीस के स्टेज से आका की मोहब्बत को समझ के जाना। मस्जिद मदीना में दो आदमी ऊंची आवाज में गुफ्तगू को कर रहे, हजरत उमर फारूक पास ही मौजूद, उन दो अशख़ास की जानिब कंकर को उठाया, उनकी जानिब उछाला, दोनों मुतवज्जे हुए। आपने अपने पास आने का इशारा किया, कहा अजनबी मालूम होते हो, मुसाफिर मालूम होते हो, कहां से आए हो? कहा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपने ठीक पहचाना, ताइफ की वादी से आए हैं, अजनबी हैं, मुसाफिर हैं। साथियों, हजरत उमर ने पुकार कर बुलाया, अल्लाह की कसम, अजनबी ना होते, मुसाफिर ना होते, उमर तुम्हें कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा सुनाता, तुम्हें नबी के आदाब का क्या पता। मस्जिद नबवी में मौजूद ऊंची आवाज में गुफ्तगू को कर रहे और पास ही आमिना के लाल आराम फरमा रहे, अल्लाह की कसम अगर मुसाफिर ना होते आज तुम्हें सख्त से सख्त सजा सुनाती। साथियों, ये आका से अकीदत है, ये आका से मोहब्बत है, ये आका से इश्क है। ये कैसा इश्क है कि आका से मोहब्बत के नारे को लगा दिया, आपके दावे को कर दिया, माइक के ऊपर हल्ला गुल्ला मचा दिया, और आका से अकीदत, आपसे इश्क, आपसे मोहब्बत, आपने उसके हक को अदा कर दिया। अल्लाह की कसम, हम ऐसे इश्क से बाद आए, ऐसी मोहब्बत से दूर भागे, अगर आका की गुलामी को तस्लीम करना, आपकी बात पर फौरन से पहले लबैक कहना, अगर ये गुस्ताही है तो अहले हदीस से गुस्ताही 1000 मर्तबा करने के लिए तैयार। और अल्लाह के फजल करम से साथियों, यही तौहीद व सुन्नत का खुलासा है, यही तौहीद व सुन्नत की दावत है कि हम अल्लाह के फजल करम से इस नारा रुस्ता है इसको लगाने वाले। और किस मोड़ पर बाबा शहीद के अल्फाज याद आए, आप ये अल्फाज कसरत से कहा करते थे, सुनो अहले हदीस के बेटे को अगर मनवाना है या रब का कुरान ले आओ या काली कमली वाले का फरमान ले आओ, अहले हदीस के बेटे की गर्दन को झुका हुआ पाओगे, मगर आका की हदीस के होते हुए, आपके फरमान के होते हुए, आपके कॉल के होते हुए अहले हदीस के बेटे को कहोगे किसी ऐरे की मान लो, किसी गैरे की मान लो, किसी लत्तू हैरे की मान लो, अल्लाह की कसम ये गर्दन कट सकती है मगर झुक नहीं सकती। और आज अल्लाह के फजल करम से इसी तौहीद व सुन्नत की दावत को, अपने असलाफ की रवायात को आगे बढ़ाते हुए, उसी हौसले, उसी जुर्रत, उसी बलबले, उसी तंतने, उसी जमजमे, उसी हमहमे, उसी बहादुरी को लिए हुए काल अल्लाह और काल रसूल के झंडे को थामे हुए मैदान अमल में निकल चुके हैं। और नारे तकबीर मसलके हाकेले हदीस शहीद मिल्लत अलामा एहसान लही ज़हीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस लाहौर। अल्लाह के फजल करम से इस दावत को अपने दिलों में लिए हुए, करिया करिया, बस्ती बस्ती, मिंबरों से, मेहराबों से, चौकों में, चुरस्तों में इस दावत को लिए हुए
मैदान अमल में उतर चुके और उस वक्त तलक चैन से नहीं बैठेंगे जब तलक वतन अजीज में काल अल्लाह और काल रसूल के झंडों को लहरा नहीं दिया जाता। तौहीद और सुन्नत के झंडों को लहराने के लिए तैयार हो, जरा दोनों हाथों को बुलंद करके कहो तौहीद और सुन्नत के झंडों को लहराने के लिए तैयार। इंशाअल्लाह हयात बाकी बात बाकी। अगर प्रोग्राम में शिरकत के लिए ना जाना होता तो इंशाअल्लाह फिर मुफस्सल गुफ्तगू की जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो दुआ है, जो कहा गया जो सुना गया उस पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।